हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो आज ये वीडियो है एम्फेटिक सेंटेंस के ऊपर, पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो पांचवी वीडियो है एम्फेटिक सेंटेंस के ऊपर और इसमें हम बताएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि एम्फेटिक सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट पर जोर पड़े, बल पड़े और उस पर जो है, ठीक है, तो ज़ोरदार वर्ड भी, ज़ोरदार मतलब इसको सेंटेंस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रूल की। ठीक है, तो रूल आप देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट प्लस का मतलब है बाद में डिड आएगा, उसके साथ नॉट, उसके साथ इवन, है ना, और उसके बाद आएगा आपका मेन वर्ब। ठीक है, और साथ में अदर वर्ड्स। तो ये आपका रूल है और इसकी एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी किसी को कहते हुए कि भाई वो मुझसे बोला भी नहीं। मान लो हमसे कोई नाराज़ है और मुझसे मिलने जाते हैं 1 महीने बाद या 10 साल बाद, ठीक है, और वो अभी भी नाराज़ हो, तो हम उसके बारे में आके अपने दोस्त को, दूसरे दोस्त को बताएंगे तो कहेंगे कि उसने मुझसे बात भी तक नहीं की या वो मुझसे बोला भी नहीं। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही डिड नॉट इवन स्पीक टू मी। ठीक है, रूल के मुताबिक हो गया ये। अब इस पर हम देखते हैं आगे। आगे देखिए क्या है इसका रूल है। देखिए रूल में सबसे पहले बात करते हैं, तो सब्जेक्ट आता है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, उसके बाद आएगा कैन, उसके साथ नॉट, उसके साथ इवन, ठीक है, और मेन वर्ब और अदर वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, सेंटेंस नंबर 2 पे हम आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत कमज़ोर हो और उसके बारे में हमें बताना हो किसी उसके पीछे कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकते, वो लोग, है ना, 2-3 लोग की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि दे जो है यहाँ पे प्लूरल है। तो आप देखेंगे कि जब हमें कहना हो कि वे लोग चल भी नहीं सकते तो हम ये कहेंगे कि दे कांट इवन वॉक, ठीक है, या वो बात भी नहीं कर सकते तो दे कांट इवन टॉक, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें क्या है। तो हमारी रेल की पटरी यहाँ पे आ गई है सेंटेंस नंबर 3 पे। तो इसमें देख रहे हैं, जब आपको कभी यूं कहना हो, यूं जैसे वो बैठ भी नहीं सकती, यानी कोई लड़की, मान लो उसको किसी ने टक्कर मार दी बाइक से और उसके चोट लग गई, ठीक है, और चोट लगने के बाद उसका मजाक नहीं उड़ाना है किसी का, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से। तो आप कहना चाहते हैं कि वो बैठ भी नहीं सकती, है ना। ठीक, तो इसको अब आप बोलेंगे शी कैन नॉट इवन सिट। कैन नॉट का शॉर्ट होता है कांट, शी कांट इवन सिट। ठीक, तो आज की वीडियो बस यहीं तक, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का एक बटन होता है उस पर फटाक से ना एक अपनी उंगली मार दें, ठीक है, ताकि वो सभी नोटिफिकेशन आपको, अगर मैं जब भी नई वीडियो अगली डालूं तो उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी और भी सभी वीडियो देखें और अच्छी लग जाए तो शेयर कर देना, भाइयों लोगों को बता देना या जो भी आपकी बहनों लोगों को भी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।